में मामूली विवाद में चाकूबाजी हो गई, दो लोगों में से एक की मौत हो गई व एक घायल है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीती रात पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर तीन युवकों को चाकू से गोद डाला, जिसमें कालू नाम के लड़के की मौके पर मौत हो गई, वहीं की कुनाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवकों की दो दिन पहले लड़कों से बहस हुई थी, जिसके चलते आरोपी झगड़ा करने बीती रात को उनकी गली के बाहर आए, जहां कहासुनी के बाद आपस में हाथापाई होने लगी। आरोपियों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव में आए नीरज को भी चाकू लगे। हत्या की वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। कुछ नहीं, उधर रोटी खा के गया था यहाँ से, और को मैं कुछ रोज ही जाता था घूमने। अब हमार को क्या पता क्या हुआ क्या ना हुआ, हमार तो साथ में बड़ा धोखा हो गया। यो तीनन के लगे कि आंत रिल कर गई, एक किस जांग पे तो फट गया है, वाके 14 टांके आए हुए हैं, थाने में पड़ा कही है। क्या पता हमें तो, हम तक अपने घर में ही पड़े, हमारे कौन है सब करने वाला। फिर हमारे पीछे तो ईंट बरसाई, पता ना कौन ने फेंकी ईंट, हम दो बुढ़ियाई है घर में जब हमने दरवाजा लगाया। मेरा नाम कन्नू है। मेरा भाई खाना खाने गया था, खाना खा के बाहर घूम रहा था, वो तीन चार लड़के आए, उन्होंने चाकू से वो कर दिया नौका, चाकू वाकू मार दिए। ना कोई लड़ाई झगड़ा हमारा, ना किसी से कुछ भी नहीं है। जब भी रोटी खा के गया था बाहर, वो भाई आज पैर हो गए। एक था गोगी, नहीं मोगी था, एक मोगी था, मोगी मोगी था, और क्या नाम है उसका, काका का भांजा लाड़ रहा, क्या नाम है, अभी अभी था, उन्होंने मारा चाकू। दो लड़के थे, वो साधु उसकी शिकल नहीं जानते, सुल्तानपुरी गए थे, हमने सुल्तान में लड़के थे, वो शिकल जानते उस लड़का, उसकी शिकल नहीं पहचानी, मैं उसको पहचान नहीं पाया लड़के कौन था, वो जिन्हें डाटा बांधी पे हमें नहीं पता, हमको नहीं पता क्या था। हमारी कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, हम किसी से लड़ते झगड़ते है नहीं, हम अपने घर में मस्त रहते हैं। इनों में लगे तीन में, दो भांजों में लगे है तीन लड़के, और एक मेरे भाई जो एस्पायर हो गए, एक अभी ऑपरेशन में आईसीयू में अभी, और एक तो उसके टाके लगे हैं अभी, एक वो भी थाने में बिठा रखा है। राहुल।